अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो जनाब व्लॉग लेके आ गई हूँ, बहुत दिनों के बाद आई हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कंसिस्टेंसी जो है वो बना के रखूँ। अभी टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि बड़े मज़े के व्लॉग्स हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों के लिए आने वाले हैं। अभी मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन के लिए, अपनी और अपने हस्बैंड की। कोविड-19 की सेकेंड डोज हम लोगों को लग रही है, इसके बाद हम लोगों के क्या प्लान है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों को बताती चलूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ अपना। मेरा नाम समीना है जी, मैं रहती हूँ कनाडा में, कनाडा के प्रोविंस अल्बर्टा और शहर फोर्ट मैकमरी में। और यहाँ हम लोगों के टाउन में जो है वो मैकडोनल्ड आइलैंड के नाम से एक इन लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो ये बनाई हुई है। यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ वेन्यू पे, और गर्मी आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा पड़ रही है। सब लोग सोचते हैं कि यहाँ कनाडा में तो बहुत बर्फ़ होती है और बर्फ़ पड़ी रहती। नहीं जी जनाब, यहाँ पे जब गर्मी होती है तो गर्मी भी इंतहा की होती है। और अभी थोड़े अर्से पहले तो यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी कि तकरीबन 100 और 150 जो है वो बंदे जो है वो गर्मी से मर गए थे। तो ये भी अभी की ही बात है जी यहीं की। और खैर, अभी मैं यहाँ वेन्यू पर पहुँच चुकी हूँ, अंदर आ गई हूँ बिल्डिंग के, और कोविड-19 की मेरी सेकेंड डोज़ जो है वो लग रही थी। मैंने प्लान किया था कि मैं सेकेंड डोज़ जो है वो फाइज़र की लगवाऊंगी, फ़र्स्ट डोज़ मुझे मॉडर्ना लगी थी, और मॉडर्ना लगने के बाद मेरी तबीयत अच्छी खासी जो है वो ख़राब हो गई थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा था जी मैं सेकेंड डोज़ जो है वो फाइज़र लगाने वाली हूँ, और हस्बैंड को दोनों डोजेज़ फाइज़र की लगी हैं, लेकिन मुझे फ़र्स्ट डोज मॉडर्ना की लगी थी। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हॉल में, और यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं। देखिए इतनी ज़्यादा यहाँ पे रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, कितने ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस पे लोग खड़े हुए हैं, जो फासला लिखा होता है इतने इतने फिट का फासले से खड़े हो तो वो बिल्कुल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अभी हम लोग हॉल में इंटर हो गए हैं, और यहाँ हम लोगों से ज़रूरी क्वेश्चनएयर हो रहे हैं कि हम लोगों ने कहीं ट्रैवल ना किया हो लास्ट 14 डेज़ में, और किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में ना हो हम लोग एक्स वाई जेड। तो यहाँ क्वेश्चनएयर हम लोगों से हो गए हैं कम्प्लीट, और हम आ गए हैं हॉल में। और ये यहाँ तमाम डेस्क बनी हैं जहाँ पे जिसकी नेम कॉल होगा वहाँ जाना होगा। और ये जी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपना पर्सनल हेल्थ कार्ड, जो कि हम लोगों को यहाँ अलॉट होता है तमाम जो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं उन लोगों को। और यहाँ पे ये तमाम जो है वो फैसिलिटीज़ मेडिकल की फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं इस कार्ड को दिखा के। तो फ्यूचर में अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि कौन कौन सी सर्विसेज और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से बेनिफिट होते हैं इस पर, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस पर बात करूँगी। अभी का व्लॉग सिर्फ कोविड-19 की वैक्सीनेशन का है। तो यहाँ मैं डेस्क पे आ गई थी, और यहाँ मेरी कोविड वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो गई है, और मैं आके यहाँ वेटिंग पे बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक जगह बनाई हुई है कि वैक्सीनेशन के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपको बैठ के वेट करना है, कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स ना हो वैक्सीन के, किसी को फर्स्ट एड की ज़रूरत ना हो, और एक्स वाई जेड। तो यहाँ बस मेरा 10 से 15 मिनट का अरसा जो है वो कंप्लीट हो गया था, बस मैं उठ के जाने लगी हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मुझे हल्का हल्का सा हेडेक जो है वो वैक्सीन लेने के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो गया था, और इससे इतने से ही मेरी जान नहीं छूटने वाली थी। तकरीबन 6 to 8 आवर्स के बाद मुझे सीवियर वाला जो है वो हेडेक स्टार्ट हो गया था, और मुझे अच्छा खासा फीवर हो गया था, और चक्कर तो मुझे तकरीबन एक हफ्ते तक जो है वो चक्कर भी आते रहे थे। तो ये थी जी मेरी सारी जो वैक्सीन लगाने के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आई थिंक शायद मैं बहुत ज़्यादा डाइट करती हूँ, इस वजह से जो है वो शायद मुझे वीकनेस थी, तो चक्कर तो मुझे तकरीबन 1 वीक तक आते रहे, और उसके बाद जो है वो बुखार मेरा बस 1 से 1.5 दिन का बुखार था, वो ख़त्म हो गया। और यहाँ हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोविड फ्री हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम लोग अब कोविड फ्री हैं, क्योंकि हमें सेकेंड डोज़ हो गई थी। और अब हम लोगों ने प्लान बनाया था जी आउट ऑफ कैनेडा जाने का, मतलब अपने जो है वो होमलैंड पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं पाकिस्तान की जर्नी भी इंशाल्लाह ताला। अभी हम लोग हॉल से बाहर आ गए हैं, और अब आगे टिकट्स वगैरह बुक कराएंगे और क्या क्या करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो मैं वक्तन-फवक्तन टाइम टू टाइम वो तमाम चीज़ें जो है वो शेयर करने वाली हूँ। अभी जी हम लोग बाहर निकले हैं, सामने ही कॉफ़ी जो है वो सेकंड कप कॉफ़ी का जो है वो इन लोगों की शॉप थी सामने। तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि भाई तुम्हें हल्का सा हेडेक हो रहा है, तो मैं तुम्हें आओ चलो कॉफ़ी पिलाता हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो ले लेते हैं कॉफ़ी, कॉफ़ी मैं इतना ज़्यादा शौक से नहीं पीती हूँ। तो खैर कॉफ़ी बन गई है यहाँ पर, हस्बैंड के इसरार पर मैंने कॉफ़ी ले ली थी, लेकिन मैंने एक सिप लिया है, लिटरली मुझसे बिल्कुल भी नहीं लिया गया, इतनी ज़्यादा कड़वी कॉफ़ी थी, ओ माई गॉड। जबकि ब्लैक नहीं थी इसमें जो है वो क्रीम थी, लेकिन जो है मुझसे बिल्कुल भी नहीं पी गई। मैंने हस्बैंड से कहा भाई मुझसे बिल्कुल भी नहीं पी जा रही है, तो मेरी कॉफ़ी भी जो है वो उन्होंने ही पी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लवर है, उनको जिस टाइम पे भी कॉफ़ी दे दी जाए, चाय दे दी जाए, वो कहते हैं जी 100 बिस्मिल्लाह, कहते हैं ना 100 बिस्मिल्लाह जी, तो वो कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह।
कॉफ़ी मेरी उन्होंने ले ली है, मैं आगे जाके जो है वो एक स्लश लूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मैंने हस्बैंड से कहा मुझे कोई ठंडी सी चीज़ पीनी है क्योंकि मुझे बहुत गर्म गर्म सा फील हो रहा है। आई थिंक स्कार्फ भी पहना हुआ था, मास्क भी था एंड ऑल। तो यहाँ मैंने अपना वाटर मैंने स्लश लिया है और अमन के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी स्लश लिया था और कॉफ़ी मैंने बिल्कुल भी नहीं पी थी। तो यहाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ जी अपना स्लश जो कि बहुत मज़े का था, मैंने पहली दफ़ा ही ट्राई किया। और यहाँ जी मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करूं जो कि मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग्स में शेयर नहीं की कि मैंने आपसे कहा हमने प्लान बनाया था कि वैक्सीनेशन के बाद हम लोग जाएंगे जी पाकिस्तान। तो जब मैंने अपना पासपोर्ट देखा तो वो था तकरीबन बिल्कुल नियर टू एक्सपायर। तो हमने इमरजेंसी में अर्जेंट में अपना पासपोर्ट खाली मेरा जो है वो पासपोर्ट बना है और मेरा पासपोर्ट जो है तकरीबन 6 to 7 days में यहाँ मेरे पास आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी मैं पाकिस्तान जाने के लिए शॉपिंग एंड ऑल, टिकट की बुकिंग एंड इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से ट्रैवल करके टोरंटो जाएंगे, वहाँ रुकेंगे। इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होने वाली हैं, मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। तो जी स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।